क्वेश्चन देख लीजिए हमारे पास क्या है। राशेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल शेप लाइक ए सिलेंडर विद टू कॉन्स अटैच्ड एट इट्स टू एंड्स बाय यूजिंग ए थिन एल्युमिनियम शीट। वन बाय वन यहीं से कर लेते हैं। हमारे पास इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल शेप लाइक ए सिलेंडर। हमारे पास जो है सर ये सिलेंडर शेप में हमारे पास मॉडल उसको बनाना है, ठीक है सर, विद टू कॉन्स अटैच एट इट्स टू एंड्स, ठीक है, दोनों एंड्स पे आपको कॉन अटैच करना है थिन एल्युमिनियम शीट। तो आपने सर यहाँ पे ये कॉन अटैच कर दिया, यहाँ पे ये कॉन अटैच कर दिया, सर ये कॉन अटैच हो गया और ये कॉन अटैच, ठीक है सर, ये बस। प्लीज आवाज नहीं मिटे। आपसे कह रहे थे डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, डायमेंशन मेंशन कर लीजिए। ये जो डायमीटर है ये 3 सेंटीमीटर है। चलो जी सर, ठीक है सर, अगर डायमीटर आपके पास 3 है तो रेडियस 3/2 होता है। डायमीटर इज 3 सेंटीमीटर तो रेडियस हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर, ठीक है। आपसे क्या कह रहा है एंड इट्स हाइट इज 12 सेंटीमीटर। प्लीज ध्यान से देखिए 12 जो गिवन है वो मॉडल की हाइट है, ठीक है सर, मॉडल की हाइट जो है टोटल की 12 सेंटीमीटर। अगर ये 12 सेंटीमीटर है तो ये जो आपके पास है कौन, ठीक है, आपसे क्या कह रहा है इफ द ईच कौन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, ये कौन की हाइट है 2 और सर ये भी कौन की हाइट है 2, तो इसकी 8 तो सर ये हमारे पास 8 रह गया। वेरी गुड, ये डायमेंशन ही सबसे इम्पोर्टेंट है बस, ठीक है सर। तो अब आपको यही देखना है कि आपके पास क्या कौन की रेडियस मालूम है, कौन की हाइट मालूम है, सिलेंडर की रेडियस मालूम है, सिलेंडर की हाइट मालूम है, ठीक है सर, ये आपको देखना है। आपसे क्या कह रहा है इफ ईच वन हैज हाइट दी फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल, ये हमें चाहिए। तो आपको क्या चाहिए इसका वॉल्यूम निकालना। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होगा सर, सिंपल सी लैंग्वेज है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड या वॉल्यूम ऑफ मॉडल या वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन दिस मॉडल। तो अब आपके पास सॉलिड सेंस आ रहे, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वाइज वॉल्यूम ऑफ कोन, ये आपके पास यहाँ के बाद फॉर्मूला आता है। कम से कम ना यहाँ आपको फॉर्मूला यूज करना है ना यहाँ, इसके बाद फॉर्मूला, हम पहले ही फॉर्मूले पे ध्यान लगाते हैं। तो आइए जरा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि दोनों का डायमीटर सेम है, दोनों का रेडियस सेम है, हम एक ही सिंबल से यूज कर रहे हैं। हाँ यहाँ हम ले सकते हैं, मान लो इसको हम कैपिटल एच मेंशन कर दें और इसको हम स्मॉल एच मेंशन कर दें, ठीक है सर, ये मतलब। तो आपके पास हो गया पाई आर स्क्वायर एच, इसको हम कैपिटल एच लिख लेते हैं सिलेंडर को, प्लस ट्वाइस, मैंने अभी आपसे क्या कहा था कौन का वॉल्यूम भी इसी से याद रखो पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन इसका कितना तो इतना सा सॉल्व करो, क्या कर सकते हो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, क्या बचेगा एच प्लस 2/3 एच, वैल्यू रखो सर, पाई कितना सर 22/7, आर कितना सर 3/2 स्क्वायर, ठीक है सर, एच कितना सर 8 कैपिटल एच, ठीक है सर 2/3 2, ये ठीक है जी, सॉल्व करो जो भी आप कर सकते हैं, ये तो 2 से 11, ठीक है सर 11 × 9/7, 3 × 8 = 24, ठीक है सर, ये कितना आ गया सर 3 × 8 = 24 + 4 = 28 / 3, चलो जिसको भी लिखो 2, ठीक है सर, तो 7 × 2 = 14, 14 × 2 = 8, 8 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, 11, 66 सेंटीमीटर क्यूब,
ठीक है सर। तो यहाँ पे तो जैसे जैसे आपको सॉलिड मिलते जाए आप मर्ज करते जाए, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ तो जब आप मर्ज कर रहे हो तो प्लस कर रहे हो, डिप्रेशन करोगे तो आप माइनस। देखो अगला वाला जो क्वेश्चन है गुलाब जामुन पे, बेहतरीन वाली है ना, गुलाब जामुन देखेंगे सर। चलो जल्दी से फटाफट।